वेलकम स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट से टैक्स अर्ली ऑटम। अर्ली ऑटम बेसिकली हेडिंग को हमें समझना चाहिए। ऑटम का मतलब है खिजा, जब पत्ते झड़ते हैं, और मौसम बहार क्या है, जब नए पत्ते आते हैं दरख्तों पे, फल और फूल आते हैं। जब इंसान की जिंदगी में बहार आती है तो वो खुश होता है, और ऑटम का मतलब यहाँ पर यह है कि इंसान की जिंदगी में अगर खिजा आ गई तो वो दर्द और गम झेल रहा है। तो ये कहानी है एक नौजवान कपल की जिनका नाम बिल और मैरी था। बिल लड़के का नाम था और मैरी लड़की का नाम था। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, कई दिन उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारे, लेकिन अचानक किसी छोटे से मामले में उनकी लड़ाई हो जाती, एक दूसरे से अलग हो जाते, और कई सालों के बाद वो एक जगह पर वॉशिंगटन स्क्वायर में मिलते हैं एक दूसरे से। जो उनकी कॉन्वर्सेशन होगी अभी हम उसको पढ़ेंगे। बिल एंड मैरी हैड बीन इन लव मेनी इयर्स अगो। कई साल पुरानी बात है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। दे स्पेंट मैनी नाइट्स वॉकिंग एंड टॉकिंग टुगेदर। कई रातें उन्होंने वॉकिंग और टॉकिंग करते हुए गुजारी। हाउएवर दे गॉट एंग्री एट ईच अदर ऑन अ ट्रिफल। मामूली से मैटर के ऊपर जो थे वो एक दूसरे से उनकी किसी बात पर लड़ाई हो गई। इम्पल्सिवली शी हैड मैरिड अ मैन शी थॉट शी लव्ड। और बगैर सोचे समझे, इम्पल्सिवली का मतलब बगैर सोचे समझे, मैरी ने जो है किसी और आदमी से शादी कर ली। बिल वेंट अवे बिटर अबाउट अ वुमेन। और बिल जो था एक बिटर कहते तल्ख एक्सपीरियंस लेकर वुमेन के बारे में चला गया, औरतों के बारे में तल्ख तजर्बा लेके गया वो। बिल भी अब कई साल गुजर चुके, काफी अर्सा गुजर चुका है। बिल भी शादी हो गई है, बिल की भी और मैरी की भी शादी हो गई। बिल के भी बच्चे हैं, मैरी के भी बच्चे हैं। अचानक से वॉशिंगटन स्क्वायर में इनका आमना सामना होता है। बिल बिकेम अ लॉयर एंड वर्क विद अ नाइस फर्म इन डाउनटाउन। तो बिल जो है वो एक लॉयर बन चुके हैं और एक अच्छी फर्म के अंदर वो काम कर रहे हैं। ही ऑल्सो गॉट मैरिड टू अ गर्ल। और उनकी भी एक लड़की से शादी हो गई है। आफ्टर सेवरल ईयर्स हैड पास्ड, कई साल गुजर जाने के बाद, दे रैन अक्रॉस ईच अदर अंडर द ट्रीज ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर। वो उनका आपस में एक दूसरे से सामना होता है, बिल और मैरी का, वॉशिंगटन स्क्वायर में दरख्तों के नीचे, और मौसम खिजा होता है। और खिजा अब क्यों है आगे हम उसको समझेंगे। इट वॉज मैरी हु सॉ हिम एंड कॉल्ड बाय नेम। तो ये मैरी थी जो उसे पहचान गई, उसने देखा और उसको आवाज लगा के बुलाया बिल। बिल डिड नॉट रिकग्नाइज हर एट फर्स्ट साइट। पहली नजर में बिल उसको पहचाना नहीं। शी लुक ओल्ड, वो उसको काफी बूढ़ी दिखी, इसलिए वो उसको पहचाना नहीं। लेकिन बिल जो था अब तक यंग था, स्मार्ट था, हैंडसम था। एनी वे ही केम टू रिकग्नाइज हर। और वो उसने बड़े गौर से उसको देखा तो पहचान गया, ये तो मैरी है। अनकॉन्शियसली शी लिफ्टेड हर फेस एज दो वॉन्टिंग अ किस। और वो अनकॉन्शियसली उसने अपना फेस उठाया बिल की तरफ जब वो जाती थी उसके करीब। तो बिल ने क्या किया, बट बिल रिस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ टू शेकिंग हैंड्स विद मैरी। बिल ने उसको उससे फासला रखा और उसने उससे हाथ मिलाया और उसके साथ साथ चलने लगा। दे आस्क अबाउट ईच अदर्स फैमिलीज। एक दूसरे की फैमिली के बारे में उन्होंने पूछा। बिल टोल्ड दैट ही वॉज अ लॉयर एंड हैड टू चिल्ड्रन। उसने बताया कि वो एक लॉयर बन चुका है और उसके दो बच्चे। मैरी टोल्ड हिम दैट शी वॉज वर्किंग इन बरसात ऑफिस एंड शी हैड थ्री किड्स। और उसने बताया कि वो बरसात ऑफिस में काम करती और उसके तीन बच्चे। बोथ ऑफ देम इनवाइटेड ईच अदर टू देयर होम्स। और दोनों ने, मैरी और बिल ने, एक दूसरे को इन्वाइट किया अपने अपने घरों में। कहा कि मैं अपनी वाइफ से मिलवाऊंगा, और मैरी ने कहा मैं अपने अपने हस्बैंड से मिलवाऊंगी आपको। इट वॉज अर्ली ऑटम, और इब्तदाई ऑटम थी। लफ्स ऑटम आ गया है मौसम खिजा। द लीव्स वर फॉलिंग फ्रॉम दीज ट्रीज विदाउट विंड, बगैर किसी हवा हवा कुछ नहीं चल रही थी और दरख्त गिर रहे थे क्योंकि मौसम खिजा का मौसम था। दे डिड नॉट हैव मच टाइम टॉकिंग टू ईच अदर, और काफी वक्त भी नहीं था, दोनों को अपने अपने घरों में जाना था अपनी अपनी गाड़ी पकड़ के। मैरी बस केम एंड शी गॉट ऑन इट। मैरी की बस आ गई और वो उसमें दाखिल हो गई।
शी वॉन्टेड टू टेल बिल समथिंग बट शी कुडंट, वो बिल को कुछ कहना चाहती थी, लोग बीच में आ गए रास्ते में और उसका जो विजन था वो गुम हो गया, बिल कहीं रास्ते में, क्योंकि वो बस में चढ़ चुकी थी और वो कुछ कहना चाहती थी बिल से और कुछ कह नहीं पाई। द बस वेंट ऑफ, बस चल पड़ी। दे इवन कुड नॉट टेल ईच अदर डियर एड्रेस, और अपने जो एड्रेसेस थे वो भी नहीं बता सके एक दूसरे को क्योंकि जल्दी में थे। मैरी कुड नॉट इवन टेल बिल दैट हर यंगेस्ट सन वॉज नेम बिल टू, और मैरी बिल को ये भी नहीं बता सकी कि उसके जो छोटा बेटा है उसका नाम भी बिल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।